नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। टी20 विश्व कप 2021 के वार्म अप मैचों में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में पटखनी देने के बाद टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी चारों खाने चित कर दिया। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने दिखा दिया कि वो इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसीलिए अब अभ्यास मैचों के बाद उनकी निगाहें 24 अक्टूबर के मैच पर हैं। भारत वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ इसी दिन करेगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ साथ मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी भी इस मैच को लेकर स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हुए हैं। इस मैच के लिए टीम इंडिया कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए खिलाड़ियों के साथ साथ धोनी की भी भूमिका बड़ी अहम यहां पर साबित होने वाली है। तभी तो माही पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली टीम इंडिया के लिए 11 दमदार प्लेयर चुनने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, और अभ्यास मैच में हुए प्रदर्शन को देखते ही धोनी अब अंतिम 11 बनाने के लिए सोच रहे हैं। धोनी जो अंतिम 11 उतारने की सोच रहे हैं, उसमें वो ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और केएल राहुल को जगह देंगे। इसके अलावा विराट कोहली के लिए वो तीसरे नंबर पर भेजने की तैयारी पूरी कर चुके हैं, जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव के पक्ष में धोनी दिखाई दे रहे हैं। विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत उनकी पहली पसंद है, मतलब ईशान किशन को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ऑलराउंडर के तौर पर किसे शामिल किया जाए, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि भारत को छठवें गेंदबाज का विकल्प भी चाहिए। इसीलिए सब शार्दुल ठाकुर के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनका हालिया प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा है। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या पर दांव खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा का खेलना तय ही है, जबकि अभ्यास मैच में अश्विन के प्रदर्शन को देखते हुए धोनी इस बड़े मैच में उन्हें शामिल कर सकते हैं। साथ ही अश्विन का अनुभव भी इतने बड़े मैच में भारत के काम आएगा, इसीलिए धोनी की टीम में उन्हें तरजीह मिल रही है। जबकि तेज गेंदबाजी में भारत के प्रमुख तीन तेज गेंदबाज दिखेंगे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह होंगे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ चुनकर विराट को देने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। इसी टीम के साथ भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को पस्त करने के इरादे से उतरेंगे। फिलहाल धोनी से इतर आपके हिसाब से भारत के अंतिम 11 क्या हो सकती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।